दोस्तों, एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध मगधराज के एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव से थोड़ा बाहर एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उस मोची के घर के पास एक तालाब था। एक दिन रोज की तरह सुबह सुबह मोची तालाब के पानी लाने के लिए गया। वहां उसने तालाब में एक बहुत ही अद्भुत फूल देखा। वह फूल देखते ही बहुत ही सुंदर उसे लगा और चमत्कारिक जैसा प्रतीत हुआ। मोची ने तुरंत ही अपनी पत्नी को बुलाया और वह पुष्प उसे दिखाया। मोची की पत्नी आध्यात्मिक और धार्मिक थी। वह फूल को देखते ही समझ गई कि जरूर कल यहाँ से गौतम बुद्ध जी गुजरे होंगे। उन्हीं के प्रताप से यह फूल खिला है। फूल को चमत्कारिक मानकर मोची ने एक योजना बनाई। उसने अपनी योजना के बारे में पत्नी को बताया कि यह इस फूल को वह राजा को देगा और उनसे खूब सारी स्वर्ण मुद्राएं लेगा। उसकी पत्नी ने भी यह सोचा कि यह फूल उनके किसी काम का नहीं है, इसे राजा को ही दे दे, कम से कम कुछ कमाई तो होगी। पत्नी की समाधि के बाद मोची राजमहल की ओर निकला। राजमहल के रास्ते में एक व्यापारी मिलता है और मोची के हाथ में फूल देखकर वह रुक जाता है। वह मोची से पूछता है कि भाई, ये फूल लेकर कहाँ जा रहे हो? मोची कहता है, मैं ये फूल को राजा के पास देने जा रहा हूँ। इसे राजा को भेंट करके मैं राजा से मुंह मांगा इनाम पाऊंगा। व्यापारी ने मोची को प्रस्ताव दिया कि तुम ये फूल मुझे दे दो, मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मोची सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि जब व्यापारी इस पुष्प के लिए स्वर्ण 100 मुद्राएं दे रहा है तो राजा तो ज्यादा देगा। यही सोचते हुए उस व्यापारी को पुष्प देने से मना कर दिया। थोड़ा आगे चला ही तो उसे रास्ते में राजा आते हुए नजर आ गए। गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे थे। राजा भी मोची के हाथ में वो दिव्य फूल को देखकर अचंभित हो गए। राजा ने फूल के बदले 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए कहा। यह सुनते ही मोची के मन में एक अजीब सी चेतना आई और वह राजा को फूल न देकर दौड़ता हुआ सीधे गौतम बुद्ध के पास जा पहुंचा। गौतम बुद्ध जी मोची को देखकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने मोची से कहा तो मोची ने उन्हें सारी बात बताई। इसके बाद मोची ने वह फूल महात्मा गौतम के बुद्ध में चरणों में अर्पित कर दिया और उनसे कहा कि पहले तो मेरे मन में फूल को देखकर लालच आ गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि जिसकी छाया पड़ने से एक फूल इतना दिव्य हो सकता है, अगर उसकी शरण में मैं चला जाऊँ तो मेरा जीवन तो धन्य हो जाएगा। इसके बाद वह आजीवन महात्मा बुद्ध के शिष्य बनकर रह गया। कहानी से दोस्तों हमें ये सीख मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ अपनी तरफ आकर्षित करती है, लेकिन हम उनके लालच में ना फंसकर अपने ज्ञान का प्रयोग करके जीवन में सही राह को चुनना चाहिए।